अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बड़ी बढ़िया। जो मेरी ननद है उन्होंने बोला कि बढ़िया जो बनती है वो हर मतलब हमारे वहाँ शादियों में जैसे कि हल्दी मेहंदी होती है तो उसके दोपहर में सब अपनी अपनी जगह पर अलग अलग बनाते रहोगे। कोई मटन पुलाव, कोई चिकन पुलाव, कोई दाल गोश्त, कोई कोई मतलब अलग अलग का। बट यहाँ पे जैसे कि आपने सुना भी नहीं होगा, पता नहीं कि पता होगा कि नहीं, तो यहाँ पे जैसा कड़ी बनाते हैं, कड़ी के साथ उसके भजिए बनाते हैं, बड़ी बनाते बढ़िया, और बैगन बनाते हैं, ये सब चीज़ बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें सब इकट्ठा होके हमारे वहाँ पे बनता है, सब खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रोटी बनती है, बाजरे की रोटी बनती है, सब अलग अलग चीज़ें। तो जैसे कि मेरी ननद ने मुझे बोला है कि बड़ी बनाना है, बड़ी बनती है, बढ़िया बड़ी भी बोलते हैं, बढ़िया भी बोलते हैं। तो जैसे बनिया की दुकान पे रेडीमेड मिलती है, पर हम लोग रेडीमेड नहीं लेते, हम हमारे हाथ से घर में बनाते हैं। तो मैं वो आपको बस अभी मेरी ननन आएगी, वो बताएगी कि वो कैसे बना, उसे मुझे भी पता है। बट ऐसा वो एक रस्म होती है, जैसे बोलते हैं ना कि हर घर में शादी की अलग 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 रस्में होती है, सबका अपना अपना जो भी रस्म नियम होता है वो करते। तो हम लोग अभी यहाँ से बिस्मिल्ला करेंगे। तो बनती है चने की दाल की बढ़िया, मूंग की दाल की बढ़िया, और उड़द की दाल की भी बनती है। तो अभी हम लोग बना रहे हैं चने की दाल की, जो हमने रात को ही एक किलो, एक से डेढ़ किलो की चने की दाल भिगाए थे, और उसको भिगाने के बाद में पीसे हैं। उसमें जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, लहसुन डाला है, ये डाल के पीस लेना है आपको। फिर उसके बाद में जब वो पीसना हो जाएगा, फिर आप उसमें नमक डालिए। देखिए कितना नमक के हिसाब से आपको नमक लगता है। कोथमीर आप उसमें काट के डालिए, और बस उसको फिर मिक्स करना है, और छोटी छोटी सी बना के आपको सुखाना है। सूखने का अच्छा खासा उसको धूप दे के पूरा सूख जाएगा वो, उसके बाद में आप स्टोर करके रख सकते हो। आप आराम से ऐसे नॉर्मली भी आप बना सकते हो, और शादी में तो ये बनता ही बनता, हमारे वहाँ तो बनता ही बनता है। उसको बाजरे की रोटी के साथ में खाइए। तो मैं आपको वो ज़रूर, जिस दिन बनेंगी वो बढ़िया, और मैं आपको ज़रूर उसकी रेसिपी मतलब वहीं पे बताऊंगी, देखिए कैसी बन रही है। वो जब बनती है उसमें प्याज, टमाटर वह सब डाल के बनाते हैं वो, तब आपको मैं बताऊंगी। फिलहाल तो ये बनती कैसी है मैं ये आपको दिखाती हूँ। और मैं जैसे बताई अभी हमने सब पीस लिए हैं, और अभी ये सुखाएंगे। तो सुखाने के लिए 5 लेडीज चाहिए होती है, जो एक रसम होती है कि 5 लोग हैं, फिर उनके हाथ में वो पान देते हैं, सुपारी देते हैं, तो ये भी एक रसम है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। डिजाइन बनाओ, डिजाइन जैसा चौक पूरा थे ना अपन सब मालूम होंगे। ये निकाली सलाम करो, सलाम रिकॉर्डिंग हो गया। देख सकते हैं आप, अभी ये पूरा सूख के कैसे चेंज हो गया, पूरा सूख गया है, फिर भी थोड़ा और रखे धूप के लिए कि और धूप में सूख के और थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और ये जितने भी ये वाइट वाइट है ये भी ये कलर में हो जाएंगे दुपट्टे के। अभी और सूखेगा, जितना ये सूखेगा उतना मतलब अगर आप ज़्यादा सूखने तक रखेंगे तो आप ऐसा बना के अगर नॉर्मली भी रखते हो तो 1 साल तक जाता है, अगर आप बना के रखते हो ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर बना रहे, वरना अगर आप इसे 6-6 महीने तक भी रखें, बना के रख सकते हैं तो बना के रख सकते हैं। ये मैं बनाने जा रही हूँ ढोल। मैंने इसके लिए येलो कलर का कपड़ा लेके आई थी। ये बना रही हूँ मैं, 1-2 ग्लास ली हूँ मैंने, 2 ग्लास को फेविट क्विक से स्टिक कर दी हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये कपड़ा लगा रही हूँ, और इसको स्टिक करके बनाना है। जैसे कि आप इसको जो
फेविक्विक आता है, उससे कपड़े से आपको फेविक ग्लू आता है, फेविक ग्लू नॉट के फेविक्विक, फेविक ग्लू आता है उससे आपको स्टिक करना है। मैंने इसकी बहुत कोशिश की, एक्चुअली ये कपड़ा जो है उसके ऊपर बैठ नहीं रहा था, मैंने इतना ग्लू उसके ऊपर लगाया, बहुत कोशिश किए और कपड़ा भी जैसे आड़ा टेढ़ा हो जा रहा था बार बार, में बहुत कोशिशों के बाद में ये नहीं बना, तो मैंने वो कपड़ा फिर उसको छोड़ दी और फिर मैंने उसको कलर कर दी। तो मैं आपको रेडी ढोल बताऊंगी कि हमने कैसे बनाया, और जो हल्दी की प्लेट होती है वो भी हमने रेडी किया। सब लोग की पैकिंग चालू हो गई है सब दुल्हन के कपड़े डालने के लिए। यम्मी ग्रीन वाली बंगड़ी है ना, वो पूरी वाली जो वो हम लोग की है ना, बाकी ये सब दुल्हन की है, इसके लिए वो वाली निकाल दो, ग्रीन डार्क ग्रीन वाली। और यहाँ पे अभी शरारा पैक हो रहा है इसके अंदर, और ये पर्स वगैरह सब आपने तो देख चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो हम लोग ने अभी घर में बनाया है, ये वाला, ये ढोल और ये सब जो प्लेट में हम लोग ने पूरा लेस लेके डेकोरेशन करके ये पूरा बनाया, ये देखिए। ये भी अभी डेकोरेट कर रहे हैं और इसके अंदर शरारा आएगा। तो अभी सब कपड़े पैकिंग कर रहे हैं, मैं आपको सब दिखाती हूँ पैकिंग के बाद। ये देखिए दुल्हन के ड्रेसेस जो है वो पैकिंग कर रहे हैं। मम्मी वहाँ पे थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। मम्मी तुम दुपट्टा ऊपर कर रहे क्या? ऊपर अपना दुपट्टा ऊपर, तुम्हारा दुपट्टा नहीं बोल रही मैं, वो दुपट्टा, वो तुम्हारा दुपट्टा बराबर बैक साइड में, फिर उल्टा कैसे करेंगे? अरे दोनों साइड दिखता है ना मां, तो दोनों साइड कोई थोड़ी ऊपर नीचे करेगा ना, नेक भरा हुआ है ना फिर इसमें। हाँ, तो ऊपर से कर अम्मी, कर रहे बराबर। हाँ ऐसा बराबर, नहीं नहीं इतना बड़ा थैली नहीं, हमें ऊपर करना पड़ेगा तुमको, ऊपर ऊपर बताऊंगी यही कर रहे। ये भी ड्रेस है, ये भी ड्रेस है, और हरे ड्रेस है, दो ड्रेस और एक आ गए वहाँ पे। सब ड्रेसेस पैकिंग हो, जैसे पैकिंग हो जाएंगे ना मैं आपको दिखाती हूँ। वाह बिस्किट के टुकड़े दिख रहे हैं इसमें, बिस्किट खोल के दे, इसको भी खोलो, को पूरा नहीं खोलना। ये वैदा भाभी जद्दोजहद लगी हुई है, एक्चुअली ना वो पिन दो क्या? नहीं पर पिन से फट जाएगा ना। नहीं नहीं थोड़ा सा हिलता, आप लोगों को, आप लोगों को कपड़े पैकिंग करना हो तो जरूर इनको कॉन्टेक्ट कीजिए। हाँ वैसे भी ऑलरेडी दो जन तीन जन कॉन्टेक्ट में ही है कि आ जाना। कौन कॉन्टेक्ट कर रहा था बोलो? यास्मीन, देखो तुम्हारा नाम ले रही हूँ, तुम लोग शादी है, हम लोग को तूने बोली ना के सब दिला के देना, करके देना, तो इनको तुम्हें ना कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे। और ये अपनी चार्जेस बता देंगे, फोन नंबर नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए फ्री पे जाएंगे, सबके लिए फ्री, दुआ की जरूरत है बस। अच्छा दुआ देंगे ना हमको तो हम, देखो ये नानी भी इनके साथ में पार्ट टाइम जॉब पे जाते, नानी जी पार्ट टाइम जॉब पे जाते हमारे। ये घोड़ा चल रहा, घोड़ा फूल बता रही, ये ऐसा रखो नहीं। चलो तो अभी मैं भी थोड़ा बहुत इनके हेल्प करती ना, तो बोलेंगे देखो आप वीडियो लेके बैठ गई, मैं हेल्प करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पूरा पैकिंग होने के बाद, ठीक है? माशाल्लाह फूल भी डाल रहे हैं। अरे हिंट, ओह माय गॉड, सब्सक्राइबर के लिए हिंट, शादी में मस्त है, ये भी रेडी हो गया है माशाल्लाह। इसमें तो लिली का, इसको लिली बोलते ना, इसको क्या बोलते हैं? नहीं ऑर्किड, ऑर्किड ऑर्किड, अच्छा इसको ऑर्किड बोलते ना, ऑर्किड ना, ऑर्किड बोलते। देखो फूल डाल रहे, मोर के पंख मंका था पर आर मिल गए नहीं। मेरी तो ऑलमोस्ट सब तैयारी हो गई, ऑलमोस्ट सबकी भी तैयारी हो गई है, बस हम लोग की मेरी सैंडल बस बाकी थी और जैन के शूज़ बाकी थे, और उसको छुट्टी नहीं मिली थी आज, जिसकी छुट्टी है वो तो छुट्टी नहीं है, काम मेरा काम है, पर कल जो छुट्टी थी तो उसमें उसने अपने सब ड्रेसेस वगैरह जो भी है उसका उसने कम्प्लीट किया, बस अभी सैंडल, अभी शूज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं लिंकिंग रोड, ये हैबिट में बस अंदर जा रहा है आपको दिखा जाइए। चल
पे कुछ सेल भी है, देखिए। तो ये हम लोग ने हिल रोड से लिया है, लाजुड़ी से, और यहाँ पे मुझे ज़्यादा हिल नहीं चाहिए था तो मैंने कम हिल के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कम हिल भी रहेगा और अच्छा रहेगा। तो हिसाब से मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। मैंने ये ली हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये सेलेक्ट की, और इसमें फ्लैट, हाँ ये कपड़ा भी आ रहा है, ये धागा भी आ रहा है दुपट्टे का। हाँ ये मैंने ली हूँ, बहुत अच्छी लगी है मुझे। ये 1000 रुपीज़ की है, हिल रोड से लाजुड़ी से लिया था। चलिए, जो नेट है ये मेरे ड्रेस पे जा रहा था तो इसलिए मुझे पसंद आई थी, तो ऐसा लगा जैसे इसी की बनी हुई, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो माशाल्लाह से लाइटिंग भी लग गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे बाजू भी हमारी लाइटिंग है, तो ऊपर की गैलरी में लगी है और नीचे भी देखो। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं किंग सर्कल। किंग सर्कल से हम लोग को सामान लेना है, जैसे नेकलेसेस वगैरह जो है बैंगल से वो लेना है। बाकी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब कुछ हो चुका है ना भाभी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो मतलब बस 90% 10% बचा है, जैसा कि ऊपर की जो शॉपिंग मैं बता रही हूँ, चांदरा तक चलते हैं, शादी तक के चलेगा। एंड एंड मौके पे भी बोलते ना कि चांदरा तक के चलेंगे हमारी शॉपिंग, जैसे ईद होती है तो चांदरा तक, अरे ये बाकी लाना, अरे ये बाकी लाना होता है ना ऐसा, जैसे शादी का भी होता है कि अब्बा थे तो बोलते, अब्बा ऐसे बोलते थे चांदरा को तुम लोग को सब चीज याद आती है, ऐसे पूरा महीना नहीं याद आता है, एक कोई तो भी चीज ऐसी रहेंगी, अरे ये लाना भूल गए, अरे ये शादी तक हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हो गया हो गया हो गया, पर एंड मोमेंट तक भी कुछ भी कुछ चीज याद आती रहती है। तो फिलहाल तो अभी एंडिंग एंडिंग ही चल रही है, जैसे कि अभी हम लोग ज्वेलरीज का बाकी था जो पहनना है, ज्वेलरीज मतलब ये आर्टिफिशियल के ज्वेलरीज जो हम लोग के ड्रेसेस पे पहनना, मैं आपको मेरा जो मैं पहनने वाली वो ड्रेस भी बताती, पर अभी फिलहाल तो टेलर के पास में, भाभी के भी कपड़े सब टेलर के पास है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक दो दिन में आ जाएंगे, वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल अभी मैं ज्वेलरी जो लेने जा रही हूँ और सैंडल जो लूँगी वो मैं आपको शादी की जरूर बताएँ, नहीं अभी तो नहीं बताया। हस्बैंड और है, और है, थोड़ा दिन सबर कर लो, इंशाल्लाह हमारे घर के ब्लॉग हम लोग को देखने को टाइम ही नहीं है, मैं इसके लिए पूछ रही कि रिवील करी तो मैं बोलूं, क्योंकि मेरे लिए इतने भी बहुत जल्दी है, उस दिन हम लोग हल्दी वाले में भी इतने कट करे नहीं, वो एक्चुअली वो छुपाना ऐसा कुछ नहीं, देखो छुपाना होता तो हमको हम आपको ये भी नहीं बताते थे कि शादी है, हम आपको हमारे सामान भी नहीं बताते थे कि हमें ये लाए, पर कुछ वजह है आप समझो जो नहीं बता रहे, पर जरूर बताएंगे, बस समझ लो एकदम क्लोज ही अभी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे रिव्यू, क्योंकि आप लोग को नहीं शेयर करेंगे तो फिर क्या फायदा ना, आप लोग को भी तो शेयर करना चाहिए ना, आप लोग भी तो हमारी फैमिली, यस। तो इसके लिए तो चलिए अभी वहाँ पहुँचते हैं, और जितने भी सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं या शबाना को मिलते हैं, किसी को मिलते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें पहचानते हो, सलाम दुआ करते हो, मामा की चटनी याद करते हो, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो याद करते हो, तो आपका बहुत शुक्रिया, और दुआ और देते हो, हाँ दुआ देते हो, इतनी प्यार करते हो, इतने प्यार से हम लोग का ब्लॉग देखते हो, कमेंट करते हो, हम लोग को बहुत अच्छा लगता, मतलब है। हमारी मेहनत को आप लोग पहचानते हो, वो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग पहचानते हो, वो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। हाँ, बाकी एक दो कोई है ऐसे चलता है, हाँ तो वो तो है, देखो घऊ है तो गुण भी है, घऊ है तो कीड़े भी है, तो रहते हैं उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है चलिए वहाँ चलते हैं आपसे मिले। तो यहाँ पर अभी अंशरा का जो हम लोगों ने दिए थे शरारा वो रेडी हो गया, बस वही ले रहे हैं ऐसे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, कौन सा वाला? हाँ ये चलेगा चलेगा चलेगा, ये वाला ये गोल करना है। अरे ये देखिए मेरे को घूमना, तुम्हारे पास घूम। सो भाभी को यहाँ पर कुछ कड़े पसंद आए, भाभी ने ले लिए बंगड़ी, कौन सी कौन सी अंशरा के लिए, और ये सामान ये मेरे कड़े, ये भैया मैंने ऑलरेडी बंगली ली, एकदम कम दाम में दिए बंगली, बहुत अच्छी है, घराना। क्या नाम है आपका? नेहा कलेक्शन के पास ही है इनकी दुकान, रवि नाम है आपका? अच्छा, नेहा कलेक्शन के पास ही इनकी, अच्छे से ये किंग सर्कल में आए हैं, आना मामी बोल रहे तो आना, मतलब आना मामी बोले आना तो आना,
नहीं यहाँ पे बैंगल के कलेक्शन अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन। वैसे हम लोग अंदर की चूड़ी ले सीधे में खाली कर लेंगे, छोटी बड़ी सब मेरे साइज की मिलेंगी और छोटी साइज भी मिलेंगी। मामी की साइज की मिल गया तो समझ जाना भी सब साइज की, सभी तो ये ली मिली वाली, मामी ने भी ले ली सब चीज। इनको वाली कोई मोती वाला भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये वाला, अच्छा लग रहा है ये इसमें का बड़ा लाके दो मेरे को, घुंघरू वाला ये वाला होता ना, ये मेरी साइज का है ना। हाँ तो फिर अगर ये नहीं समझ रहे तो मैं मेरी साइज का ये वाला ले लूँगा, है ना। दिल तो पागल में पहनती ना वो माधुरी, बहुत अच्छा लगा, मस्त लगा। चलो भाभी ऊपर चले गए, कहाँ चले गए, मैं आ रही आ रही एकदम ऊपर है। अरे अंसरा हम लोग आए थे ना, अंसरा ही लेके, पर ये तो कितना झुकते जाना पड़ रहा है ये अल्लाह। अच्छा इतना झुकते जाना पड़ रहा है, ये थोड़ा ऊँचा करना चाहिए था ना, यहाँ पे लिखा है टेक केयर योर हेड, देख के भी ज़्यादा मिला मसाला डोसा मंगाऊं, मंगाऊं सैंडविच क्या करें? सादा सैंडविच तुम क्या खा रहे हो? एक सादा सैंडविच मंगा दी, टोस्ट सैंडविच यहाँ पे नीचे से इधर से आए ऊपर। चीज ग्रिल 155, वेज चीज टोस्ट 90 का है। वेज चीज सैंडविच लेंगे तो कच्चा आएगा, सादा रहेगा, तो सादा नॉर्मल सैंडविच 45 का। ग्रिल सैंडविच कितने का? ग्रिल सैंडविच 155 और सादा वाला, सादा सैंडविच 45 का। ग्रिल लेंगे तो बड़ा आएगा, दो लोग आराम से वो तो खा लेंगे। टाइम कितना लगेगा बनाने में? बनाने में लगेगा 2-3-4 मिनट लगता है। नहीं ना, मसाला डोसा कैसा? हम लोग ने मसाला डोसा ऑर्डर किए हैं और सैंडविच आ रहा है, और भाभी मेरे को बोल रहे कि ये अंशरा के साथ में आए थे तो यहाँ पे इन्होंने ये मसाला सोडा पिए थे, तो बोले गन्ने अच्छा, तो बोले अभी मैं पीने जा रही थी गन्ने का शरबत, पर उन्होंने बोले ये मत पी, ये पी के दे, और मेरा सैंडविच भी आ गया, वेजिटेबल सैंडविच क्या अच्छा कैच, थैंक यू। तो चलो ये पीछे देखते हैं कैसे टेस्ट में है, लेमन सोडा, चलो बिस्मिल्लाह करो। तो हम लोग अभी ये सैंडविच खा रहे हैं, सोडा तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। प्याज भी लगी थी हम लोग, मेरे को ना मसाला डोसा की ना एक चीज़ नहीं अच्छी लगती है, डोसा वगैरह सब अच्छा बनाते, चटनी बहुत खारी करते हैं, इसलिए नहीं है, इसलिए मेरे को लंबी सैंडविच अच्छा लगता है। ग्रिल सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, पर अभी ग्रिल सैंडविच को खाया तो शायद टाइम लगेगा, तो यहाँ पे जब लोग आए यहाँ पे यहीं पे हम लोग अभी 3 सर्कल में ही ऊपर आए, यहाँ पे जो छोटी कैंडी है फिर यहीं मिलता है, ये चार जगह तो यहीं मिलता है। ये शॉप के नाम क्या है? 3 सर्कल का कैंटीन नहीं है, आप पूछोगे ना यहाँ पे लाइम सोडा कहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छा सोडा। वो भी आ रहा है, डका नहीं हिचकी लगती ना वैसे। तो चलिए मिलते हैं आपको, अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हमको लाइम सोडा इतना अच्छा लगा कि एक खत्म होने के बाद में और मंगाए हम लोगों ने, तो वो ऑर्डर रखने और हम लोग ने वो खा चुके हैं। अभी क्या ऑर्डर छोड़ेगा नहीं वो सब बबल डाला, अच्छा बबल डाला हुआ, क्या हुआ क्या गिरा दिए, नीचे गिरा भी दिए, हिलाने में ऊपर आ गया। देखो अभी खूब ठंडा पी रहे, बाद में क्या होगा, अभी ये ना क्या करके पियेंगे और फिर आप बोलेंगे मेरे गले में दुख रहा है, गले में दुख रहा है ना। लेकिन ये अच्छा इससे एक्टिविटी में, हाँ शादी तक बीमार नहीं पड़ना, नहीं शादी के बाद बहुत जन में बोल रहे हैं बीमार पड़ने वाले, बिल आ गया डिस्काउंट। अंशरा बंगड़ी ट्राई करते हुए जो हम लोगों ने इसके लिए किंग सर्कल से लेकर आए, पसंद आई? हाँ अच्छी, मम्मी अच्छी तो लग रही, पर दो दो ऐसे क्यों लेके आए? अरे वो 4 का पूरा सेट अच्छा, है, हाँ वो तो बीच बीच में भी डाल सकती बंगड़ी,
बहुत अच्छे अच्छी कलेक्शन है बंगड़ी में, बंगड़ी का 300 का। अरे तो अच्छा दो कड़े वहाँ पे, फिर वो चूड़ी दाल वहाँ पे, और दो कड़े वहाँ पे, फिर चूड़ी दाल, ऐसा करना। मैंने मेरे भी कड़े देखी हूँ, मैं तुमको तो दिखाती हूँ, और मैंने मेरी चूड़ी को सेट करके बताती हूँ कि इसमें अच्छे लगे। भैया ने अच्छा बना के देता ना। हाँ इसमें ना उसने कुंदन वाली, किसके पास बंगड़ी डाला था, वो माई किंग सर्कल में। मेरे सेट मेरे इस पर नहीं नहीं, दूसरे भैया ने मेरे लिए बनाया था। मतलब देख मेरी उसे कवर्ड में बंगड़ी है, मैं फोटो दिखाऊंगी, रुक जा। मेरी नीचे है बंगड़ी और फोटो नीचे, देखो कागज के अंदर है। आप लोग मेरी हालत कैसी हो गई है, इस जगह पे फिर के सब जगह पे, और बहुत बहुत थक गए हैं बस सब शॉपिंग करते करते। सो ठीक है, चलिए अभी यहीं पे एंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि फिर और फिर कल फिर वो दूसरा व्लॉग चालूंगा, जहाँ पे जाएंगे फिर वो स्टार्ट होएगा, तो वो आएगा आपको व्लॉग। तो मेरे व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आगे वाले व्लॉग्स भी बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं।